नमस्कार, बीसीएन न्यूज के हिंदी बुलेटिन के साथ मैं हूं आपके साथ अंकिता। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सकरदरा इलाके में एक 20 वर्षीय युवती का अपहरण कर उसे जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी अंकित उमा शंकर उसन बार से है। आरोपी युवती से विवाह करना चाहता था लेकिन उससे विवाद कर बैठा। युवती ने आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत की। सकरदरा के थानेदार धनंजय पाटिल के मार्गदर्शन में थाने के सहायक पुलिस उप निरीक्षक मोल्ले ने आरोपी अंकित उसन बार से परधारा 366, 354, 294, 506, 2, 323 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी अंकित के खिलाफ उसकी महिला मित्र ने शिकायत दर्ज कराई है। युवती का आरोप है कि आरोपी अंकित ने गत 3 मई को रात करीब 11:30 बजे उससे विवाह करने के लिए जबरन अपने वाहन पर अपहरण कर ले गया। आरोपी ने युवती के इनकार करने पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। युवती की शिकायत पर सकरदरा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। याच्यामध्ये माहिती अशी आहे की एक अंकित उसर बरसे म्हणून आठवड्या आधीत राहणारा व्यक्ती आहे। याचे बहादुरा गावातल्या एका मुलीशी 5-6 वर्षापासून प्रेम संबंध आहे। तर काल हा जो आरोपी आहे त्या मुलीला बळजबरीने लग्नासाठी म्हणून तिच्या अंगणातून पळून घेऊन गेला आणि स्वतःच्या घरी घेऊन गेला। त्याचं स्वतःच्या घरी गेल्यानंतर त्याने त्याच्या या बाबतीवरून त्याचे भाऊ आणि त्याच्या आईशी त्याचा वादविवाद झाला। त्या ठिकाणी पोलीस वेळेवर पोहोचले। पोलिसांनी त्याला आरोपीला त्यांच्या त्याच्या प्रथम घरच्यांच्या तक्रारीवरून ताब्यात घेतले। तो बराच गोंधळ घालत होता त्या ठिकाणी। त्याच्यानंतर घटना अशी समक्ष आली की त्या मुलीला त्याने लग्नासाठी म्हणून पळून नेलं होतं। तिचा त्या गोष्टीला विरोध होता आणि तिचा विनयभंग झाला आणि अतलींची बिघाड धमकी वगैरे दिली। त्यावरून पोलीस स्टेशन सकरदराच्या आधी बहादुरा गावात असल्यामुळे या बाबतीत गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे। सदरचा व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, बीसीएन न्यूज नागपुर।